नूरपुर के कंडवाला क्षेत्र में अवैध रूप से ईंटों की बिक्री के गोरख धंधे पर सुबह नूरपुर प्रशासन ने दबिश देकर उद्योग लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मौके से एक ट्राला और दो ट्रकों को जब्त कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभागीय कार्यवाही की भनक लगते ही ईंटों की कालाबाजारी करने वाले मौके से तो फरार हो गए, लेकिन विभागीय शिकंजे से उद्योग कारोबारों में शामिल मौके पर तीन ट्रक काबू आ गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक अजय कौंडल और अबकारी कराधान विभाग के ईटीओ करनैल सिंह की अगुवाई में की गई सुबह सवेरे की इस कार्यवाही से चौकी पुल के नीचे चल रहे इस अवैध धंधे पर गहरी चोट करते हुए ईंटों की अदला बदली में व्यस्त तीन ट्रक काबू आए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है, जिनमें से एक पंजाब और दो हिमाचल के ट्रक है। यहाँ वर्णीय है कि कंडवाला क्षेत्र में अनेक जगहों पर इस कारोबार में शामिल लोग नियमों को ताक पर रखकर पंजाब से बड़े बड़े ट्रालों में ईंटें लाते हैं। इन बड़े ट्रालों में करीबन 28 से 29 हजार तक ईंटें एक बार ही लाई जाती हैं और यहां पर फिर ईंट माफिया का खेल शुरू हो जाता है, जो उत्तर क्षेत्र से अवैध रूप से ईंटों को डंप कर बिना बिल और बिना जीएसटी चुकाए आगे हिमाचल में ट्रकों में 4000 या 4500 ईंट की रेशो भरकर आगे सप्लाई कर न केवल खुलेआम ये धंधा कर खूब चांदी कूटते हैं, बल्कि प्रदेश को मिलने वाले करोड़ों के टैक्स को भी चूना लगाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के प्रवेश द्वार पर हो रहे इस अवैध कारोबार को सख्ती से क्यों नहीं कुचला गया। ईंटों के इस अवैध कारोबार के चलते यहां एक और हिमाचल के भट्टा उद्योग को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं प्रदेश सरकार को भी टैक्स के रूप में करोड़ों की चपत लगाई जा रही है। ऐसे ही इनके एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस वाला एफआईआर दर्ज करेंगे और ये गाड़ियां पुलिस को अनुपुर करेंगे। जब तक इसके हमारी तरफ से कोई एनओसी नहीं जाती तब तक इन गाड़ियों को लीज ना किया जाए। हम विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत इसकी कार्रवाई करेंगे और जो भी विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कार्रवाई करके तो उसके बाद एनओसी जारी करेंगे, उसके बाद पुलिस वाले जो रिलीज करेंगे। कार्यवाही की पुष्टि करते हुए निरीक्षक अजय कौंडल ने बताया कि सुबह ये दबिश की गई, जिसमें एक बड़ा ट्राला और दो ट्रक जब्त किए गए। इस मौके पर करीब 24,000 ईंटों की खुर्द बुर्द हो रही थी। इन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही जारी है। उत्तक धंधे को क्षेत्र में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि हिमाचल पंजाब के बॉर्डर एरिया में ईंटों का अवैध कारोबार हो रहा है, जिसके संज्ञान लेते हुए आज तड़के हमने इस एरिया में रेड की है और हमें एक ट्राला और दो छोटे ट्रक जो है कारोबार करते हुए पाए गए हैं, जिनको मौका पर कब्जे में ले लिए गए तथा आगे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।